हेलो एवरीवन्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आपके लिए कैसा अमेजिंग गेमिंग प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जहाँ पर आप यानी कि गेम्स को खेल के उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। सो गाइस, गेम को खेलनी किस तरह है, अर्निंग किस तरह करनी है गाइस, सर आज आपको इस वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। सो गाइस, चलते हैं जिसका आपको रिव्यू करवाते हैं। सो ऊपर आपको ये लिंक नज़र आ रहा होगा oceanland.io के नाम से, उसी लिंक को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस, जैसे लिंक को ज्वाइन करोगे इस वेबसाइट पर आ जाओगे तो देख सकते हो गाइस, इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह है। ये इनका लेफ्ट साइड पर लोगो है, बाकी यहाँ पर आपको इनके कुछ टैब्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे गाइस, इन्हीं टैब्स का गाइस मैंने आपको रिव्यू करवाना है। उसके अलावा यहाँ पर देख सो गाइस, आपको इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर आप गेम्स को प्ले कर सकते हो जी। सो रिव्यू करवाने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पर आपको बर वक्त मिलता रहे। तो गाइस, प्रोजेक्ट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक गेमिंग प्रोजेक्ट है। जस्ट आपने एक फंड के तौर पर यानी कि इसको यूज़ करना है और उसे शेयर नहीं करनी है। तो गेम को खेलना किस तरह है गाइस, इनकी कुछ NFTs होंगी। सबसे पहले आपने इनके NFTs को बाय करना है इनकी मार्केट में जाके। तो अगर आपके पास वो इनके NFTs होंगी, फिर यहाँ पर आप इजीली यानी कि इस गेम्स को खेल के उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो चलते हैं जी, NFTs किस तरह बाय करोगे वो आपसे शेयर कराएंगे। एक्सप्लोर एंड अर्न, सर्वाइव एंड एक्सप्लोर द आइसलैंड, रिवील द मिस्टेरियस। तो यहाँ पर ये इनका वाइट पेपर है, इसका मैं आपको बाद में रिव्यू कराऊंगा। बाकी यहाँ पर इनका लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है कि हाउ टू क्रिएट बाइनेंस मार्जिन वॉलेट्स रिसोर्सेज एंड NFTs। और बाकी ये इनका वाइट पेपर है, मार्केट इनकी मैं आपको दिखा देता हूँ जी गाइस। इनकी मार्केट यहाँ पे देख सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे अपना वॉलेट्स कनेक्ट करना है। कनेक्ट वॉलेट पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेटामास्क गाइस ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं जी। यहाँ पर मैं आपको टोकन्स को भी बाय करके दिखाऊंगा, इनके NFTs को भी मिंट करके इनको भी बाय करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे यानी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा गाइस वॉलेट्स कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा। ये देख सो गाइस मेरी प्रोफाइल, उसके अलावा मेरा बैलेंस यहाँ आपको शो हो रहा होगा। ऑल एंड में मेरे पास सिस्टम जीरो है, डायमंड भी USD सिस्टम, मेरे वॉलेट्स बिल्कुल एम्प्टी है। जस्ट आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह आपने इनके NFTs को बाय करना है, परचेज किस तरह करना है। अब यहाँ पर ओशनलैंड NFTs यहाँ पर आपको शो होगा, मार्केट प्लेस ट्रेड ओशनलैंड रिसोर्सेज एंड NFTs स्वैप एंड फॉर्म। तो यहाँ पर ऑल एंड यहाँ पे देख सकते हैं इनकी USD इतनी है, 0.031 USD, वाटर 0.6 ऑल एंड। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आपको नेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, वुड हो गया, उसके अलावा मेटल हो गए। अब यहाँ पर न्यू लिस्टिंग जिन्होंने यहाँ पे जिनकी हुई है, यहाँ पे आपको शो ही होंगी ये जो न्यू लिस्टिंग है, इसकी प्राइस आपको नज़र आ रही होगी बाइनेंस स्मार्ट चेन, उसकी प्राइस यहाँ पर 43 ऑल एंड, इसको यहाँ पर आप बाय कर सकते हो यहाँ पर। उसके अलावा जो इनकी जो रिसेंटली सोल्ड हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं, यहाँ पर ये आपको शो ही होंगी। तो अब जी यहाँ पर इनको आपने बाय किस तरह करना है, यहाँ पे मैं इस किसी एक पे यहाँ पे एक्सप्लोर मोड पे क्लिक कर देता हूँ। अब जी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इनके ऑफिशियल मार्केट प्लेस में आ जाऊँगा, तो गाइस यहाँ पर आपको इनकी प्राइस भी बताता हूँ। अब यहाँ पर गोल्ड स्टार्टर टोल पैक, यहाँ पर देख सो इनका क्रिएटर ओशनलैंड है। उसके अलावा प्राइस इसकी यहाँ पर देख सो गाइस 9,500 और ओशनलैंड है। तो यहाँ पे डॉलर्स में कितनी बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर शॉवल टिकट हो गया, उसके अलावा यहाँ पर कोकोनट शेल, उसके अलावा वुडन कॉप टिकट्स। तो ये मुख्तलिफ इनकी यानी कि डिफरेंट इनके NFTs हैं, तो इनको आपने यहाँ पे बाय करना है। अब यहाँ पर ये मेडिकल की सूरत में आपको नज़र आ रही होगी, प्रोडक्शन बोस्टर है, तो यहाँ पर मैं इसको बाय करता हूँ। इसकी जो प्राइस है वो 36 ओशनलैंड है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बिल्टू है, उसके अलावा क्रिएटर इनका ओशनलैंड है। अब यहाँ पर मैं बाय नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया है तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस बता रहा है, बाय NFTs पर क्लिक कर देता हूँ। अब वार्निंग प्रोसेस का ऑप्शन दे रहा है और ऑटोमेटिकली मेटामास्क ओपन हो चुका है, कोई इसमें मुश्किल वार्ड नहीं है। आपने जस्ट यानी कि बाय पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली वॉलेट ओपन होगा, आप वहाँ पे अपनी अमाउंट्स डिपॉजिट करो और इनको बाय कर लो अपने वॉलेट्स में। तो यहाँ पर इनकी प्राइस 0.76 यानी कि डॉलर्स बन रही है, और इतने डॉलर्स यहाँ पे देख सो गाइस ओशनलैंड यहाँ पे देख सो गाइस कितने बन रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने इनका अप्रूवल लेना है, अप्रूवल लेने के बाद यहाँ पर आप इसकी प्राइस ऐड कर सकते हो, फिर प्राइस से इनके NFTs को बाय कर सकते हो। अप्रूवल जो फीस है वो 1.1 ओशनलैंड है, पहले आपने वो ऐड करनी है, फिर यहाँ पर आप इजीली इसको बाय कर सकते हो। सिंपली मैं इसको रिजेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह आपने इनके NFTs को बाय करना है, बाय करने का यही तरीका था। अगर आप इनके NFTs की इनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है यानी कि उनके NFTs पे। अब यहाँ पर इनकी जो नज़र आ रही होगी कूल डाउन वो 60 मिनट है, लेवल 1 की है, उसके अलावा रिवार्ड 1.7 है, प्राइस इसकी ये है। उसके अलावा यहाँ पे आपको शो हो रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देख सो गाइस। अब यहाँ पर टोकन्स को स्वैप किस तरह कर सकते हो जी, स्वैप करने का ये तरीका है जी, सिलेक्टेड टोकन पे आप क्लिक करोगे, बाकी यहाँ पर ये टोकन है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताया।
उसके लिए स्टेक करने का तरीका है, बोल्ड, उसके लिए फॉर्म, बोस्टर्स वगैरह। अब यहाँ पे सिलेक्ट टोकन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी टोकन्स को यहाँ पे आप यानी कि बाय करना चाहते हो, यहाँ पे आप ओवुड टोकन्स को बाय करना चाहते हो, ओशन वुड को, ओशन वाटर्स को, ओशन लैंड को, या कोई भी यहाँ पे आप टोकन वगैरह को बाय करना चाहते हो, यहाँ पे मैं इसको बाय कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट टोकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप किसी भी यानी कि और भी करेंसी को सिलेक्ट वगैरह करके यहाँ पर आप इजिली इस टोकन वगैरह को यहाँ से बाय कर सकते हो। कहीं चलते हैं प्रोजेक्ट्स की तरफ। अब यहाँ पर गेम्स को किस तरह प्ले करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस तरह के इंटरफेस पर आ जाओगे। अब यहाँ पर कोकोनट शेल यहाँ पे पूछ होगा, रिवार्ड रेट 1.5% है, कूल डाउन यहाँ पे 60 मिनट। अब यहाँ पर आप क्राफ्ट पर क्लिक करके, इससे मेरे पास ना ओशन लैंड है, ना ओशन यहाँ पे वुड है, ना ओशन यहाँ पे आपको क्राफ्ट वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर मेरी इन्वेंट्रीज वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, उसके अलावा माइनिंग सिस्टम, उसके अलावा यहाँ पे एक्सचेंज सिस्टम, उसके अलावा यहाँ पर इनका माइनिंग सिस्टम, यहाँ पर माइनिंग वगैरह कर सकते हो जी। यहाँ पर अगर आपके पास वो NFTs होंगी, उसके अलावा यहाँ एक्सचेंज भी कर सकते हो जी। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो डेफी प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको शोर होगा, डेफी प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ पर आप यानी कि इनको वही स्वैप कर सकते हो, इनकी मार्केट प्लेस में इनके NFTs वगैरह को बाय कर सकते हो जी। अब यहाँ पर मेरे पास ना ओशन लैंड है, ना ओशन वुड हो गया, यहाँ पर कोई भी अभी तक मैंने NFTs बाय नहीं की। जस्ट यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसी तरह आपने इस गेम्स को खेलना है। बाकी यहाँ पर देखोगे इस कोकोनट वॉल यहाँ पे आपको शोर होगा, मार्केट प्लेस में भी मैंने आपको बताया था कि आप इसको यानी कि बाय कर सकते हो जी, कोकोनट्स वॉल को यानी कि शेल को, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो यहाँ पर ये देखोगे ये कोकोनट शेल है, तो इस ये भी आप बाय कर लें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा गेम्स को खेलने के लिए। यहाँ पर आपको शोर होगा, उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कोकोनट शेल, वोडन वो कप, उसके अलावा बकेट्स, उसके अलावा बैरल हो गए। अब यहाँ पर मैं क्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज यू आर लॉग इन विद इन ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड वगैरह ऐड करके यहाँ पर इस गेम्स वगैरह को खेल सकते। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ठीक है, यहाँ पर इनका जो ROI पेज है वो ये है, ठीक है। ROI पेज में सबसे पहले आपको दिखाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, वाटर की जो प्राइस एग्जैक्टली शो कर रहा है 0.71 शो कर रहा है, ठीक है। फूड की कर रहा है 0.09 ओलैंड की, और उसके अलावा वुड की कर रहा है 0.099 और मेटल की कर रहा है 1.144, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको मेंशन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा इसका डिटेल दी हुई है, वाटर के बारे में बताया गया, फूड के बारे में बताया गया, वुड के बारे में बताया गया, मेटल के बारे में बताया। मतलब कि यहाँ पर यह है कि क्राफ्ट कॉस्ट जो उसकी होगी वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ दिखा दूँ, बास्किट है, ठीक है, यहाँ पर फिशिंग रोड है, कटर स्टोन है, ठीक है, यहाँ पर कटर स्टोन है, और यहाँ पर एक्स है, सा है, SAW सा है, ठीक है। उसके अलावा मेटल्स में हैमर है, शॉवल है, पिक एक्स है और डायनामाइट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इनकी जो प्राइसेस बताए गए हैं कि आपको इस एक अगर आप कोकोनट शेल बाय करते हो फर्ज करो, तो आपको उसके बदले में इतना परसेंट मिलेगा, ठीक है। वो आपको मेंशन किया गया कि वहाँ पर जो उसका ROI है वो यहाँ पर बताया गया है कि फर्ज करें कि अगर आप कोई भी एक लेते हैं तो उसका जो हो। अगेन चलते हैं प्रोजेक्ट्स की तरफ। उसके बाद वेलकम टू ओशन लैंड। तो ओशन लैंड इज़ अ प्ले टू अर्न ब्लॉकचेन गेम डेट कम्बाइंस क्रिप्टो इकोनॉमिक्स विद द गेमिंग वर्ल्ड। द प्लेयर्स अर्न इनकम बाय गैदरिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द मेन कैरेक्टर्स। ओशन लैंड ब्रिंग्स डिफरेंट एक्सपेक्ट of blockchain technology together by merging several crypto assets with DeFi and NFTs. उसका गेम स्टोरी, व्हाट हैपन्स इन ओशन लैंड। द गेम स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ मैन हु इज द लोन सर्वाइवर ऑफ द शिप व्रेक वैशेज एश्योर्स टू एन अननोन मिस्टीरियस आइसलैंड वेयर ही मस्ट गैदर नेसेसरी रिसोर्सेज फूड वाटर्स वुड एंड मेटल टू सर्वाइव। लेट्स प्ले एक्सप्लोर सोल्व मिस्टीरियस एंड आर्ट। उसके अलावा रिसोर्सेज यहाँ पे देख सो गाइस, वाटर, फूड, वुड एंड मेटल्स। उसके अलावा यहाँ पर इनके NFT टूल यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, कोकोनट शेल्स, उसके अलावा वुडन कप, बकेट्स, उसके अलावा बैरल, बैरल के बाद यहाँ पर देख सो गाइस बास्केट, फिशिंग नेट, उसके अलावा फिशिंग रॉड हो गया, उसके अलावा वुडन ट्रैप हो गया, कटर स्टोन, डैजर एक्स, उसके अलावा सा, उसके अलावा यहाँ पर हैमर, शॉवल, उसके अलावा पिक एक्स, उसके अलावा यहाँ पर देख सो गाइस डायनामाइट, इसके अलावा और भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पे हाउ टू ऑब्टेन NFTs, इनके NFTs को ऑब्टेन किस तरह कर सकते हो जी। NFTs कैन बी ऑब्टेंड थ्रू क्राफ्टिंग, ट्रेडिंग एंड स्टेकिंग। यू कैन आल्सो अपग्रेड यूर क्राफ्टेड लोएस्ट लेवल NFT मिंटिंग बाई स्वैपिंग, स्टेकिंग एंड फार्मिंग। सेवरल अदर टोकन विल आल्सो बी अवेलेबल। यहाँ पे ट्रेडिंग सबसे पहले करोगे, फिर फार्मिंग, फार्मिंग के बाद क्राफ्टिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे अपग्रेडिंग NFTs, आप NFTs को अपग्रेड कर सकते हो। वो किस तरह करोगे यहाँ पे ये बता रहा है।
इनका रोड मैप है क्वार्टर 4 2021 में इन्होंने रिलीज़ वेबसाइट कंप्लीट प्ले टू अर्न कंसेप्ट डेवलप गेम कंसेप्ट डेवलप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्वार्टर 1 2022 में इन्होंने कंप्लीट सीड सेल रिलीज डेमो रिलीज टेस्टनेट मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम क्वार्टर 2 2022 में आईजीओ एंड लिस्टिंग रिलीज फुल गेम वर्जन 1 डेफी प्लेटफॉर्म बाय पार्टनरशिप मार्केट प्लेस लॉन्च एंड फ्री पैकेज सेल। इस तरह यहाँ पर क्वार्टर 3 2022 में यहाँ पर डिवेलप्स मोबाइल ऐप वर्जन इन्होंने रिलीज़ कर देना है। फिर रिलीज़ न्यू एनएफटी कलेक्शन टेस्ट मल्टी चेन फीचर क्वार्टर 4 2022 में यहाँ पर रिलीज़ फुली कंपैटिबल मल्टी चेन, उसके अलावा रिलीज़ फुल गेम वर्जन 2। पार्टनर्स यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, ये इनके सारे पार्टनर्स हैं। बाकी ट्रेजर टोकन यहाँ पर देख सकते हैं, TFBX हो गया, ओशन लैंड हो गया, उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे ये सारे इनके टोकन हैं। उसके अलावा यहाँ पर टोकन एलोकेशन भी यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, सीड 5% है, आईजीओ 2% है, लिक्विडिटी 8.5% है, उसके अलावा प्लेट 32.5%, टीम 10%, डेवलपमेंट्स यहाँ पे देख सो गाइस ये एलोकेशन उसकी बता रहा है। उसके अलावा यहाँ पर डेवलपमेंट्स 10%, मार्केटिंग 15%, स्ट्रेटेजिक पार्टनर 15%, एडवाइजर 2%। बाकी यहाँ पर इनका ये ओशन लैंड बाइनार्स मार्जिन कंट्रैक्टर से नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको शो रहा होगा। बाकी जो इनके टीम्स के मेंबर हैं डॉक्टर योप एक्सीटेंट जो कि इनके CEO हैं, उसके अलावा उम्मीद क्राउडोमैन जो कि इनके CTO हैं, उसके अलावा इसमें बहादुर जो कि यहाँ पर जैसे गेम मैथ, उसके अलावा एल्ड्राम हो गया, उसके अलावा यहाँ पर और भी आपको इनके एडवाइजर वगैरह यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट, 2D आर्टिस्ट यहाँ पर कुछ हो रहे होंगे। बाकी यहाँ पर इनकी सोशल मीडिया की कम्युनिटी है जी, यहाँ पर आप देख सकते हो इनके ट्विटर्स का अकाउंट है ऑस्ट्रेलैंड के नाम से, इसको अपने फॉलो कर लेना ताकि इनके हर आने वाले न्यू ट्वीट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। साथ इनके एक डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है गाइस, इसको अपने लाजमी ज्वाइन कर लेना यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इनका टेलीग्राम का ग्रुप है जी, यहाँ पर चैनल है 15,538 सब्सक्राइबर है। व्यू टेलीग्राम पर जैसे क्लिक करोगे इनके ऑफिशियल यानी कि चैनल में आ जाओगे, इस चैनल को अपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन उसका आंसर मिल सके, या इनकी जितनी न्यू इनकी अनाउंसमेंट हो यानी कि गिव अवेज के बारे में, वर्ड लिस्टिंग के बारे में, एयर ड्रॉप्स के बारे में, वो यहाँ पर आपको मिलती रहे। उसके अलावा यहाँ पर इनका रोल यानी कि आपको ओशन लैंड के नाम से देख सकते हो गाइस, एक मीडियम का अकाउंट है, इसको फॉलो कर लेना ताकि इनके हर आने वाले न्यू यानी कि जितनी स्टोरीज वगैरह हो वो आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो अगेन चलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ। इनका वाइट पेपर है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, तो वाइट पेपर का भी मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ गाइस। वाइट पेपर भी सेम इस वेबसाइट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी कि एक आर्टिकल की सूरत में बताया जाता है, जिसको गाइस जस्ट आपने रीड करना होता है और उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये इनका वाइट पेपर है, यहाँ पे उसकी इंट्रोडक्शन करवा रहा है, ये मैंने आपको वेबसाइट पर बता दिया। बाकी यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स बता रहा है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग ओशन लैंड। ओशन लैंड इज NFT ब्लॉकचेन बेस्ड गेम, द गेम वर्क्स ऑन प्ले टू अर्न प्रिंसिपल। गेम सिनारो द इज अबाउट अ हीरो ऑन एन आइसलैंड हु क्रिएट्स द NFT नेसेसिटी टू प्रोसीड प्रोड्यूस वेरियस रिसोर्सेज वुड फूड मेटल्स एंड वाटर्स। उसके अलावा यहाँ पे इकोनॉमिक्स वगैरह यहाँ पे बता रहा है, प्ले टू अर्न कंसेप्ट। तो यहाँ पर प्ले टू अर्न कंसेप्ट यानी कि गेम्स को खेल के अर्न करने का कंसेप्ट क्या है। द प्ले टू अर्न मॉडल इज वन ऑफ द इनोवेटिव डेवलपमेंट्स इन द गेमिंग इंडस्ट्री। इट इज अ बिजनेस मॉडल दैट अडॉप्ट्स द कंसेप्ट ऑफ ओपन economy and all players who plays a part in the play to earn gaming would make additional income through playing. uska yahan par dekho guys uska purpose of the game bata raha hai. to yahan par player aims to increase their production capacity and earn more tokens in the play to earn model which they may utilize for a variety of functionalities. players are expected to create their own naval strategies for earning token. it is possible for players to convert their resources into ocean land by using the decentralized exchange in the game. उसके अलावा गेम का यानी कि गेम प्ले का इंट्रोडक्शन किस तरह होगा, होगा गेम प्ले यहाँ पे आपको सारी बता रही है, ये गेम्स का प्ले होगा, उसके अलावा कोर गेम लूप, उसके अलावा इनका गेम मैकेनिक्स आ जाता है, 2.1 में इनके गेम असिस्ट आ जाती है, उस ओशनलैंड टोकन्स आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते ये सारी उसकी वाटर्स की डिस्क्रिप्शन बता रहा है, उसकी इमेज बता रहा है NFTs के बारे में, ये फूड है उसकी डिस्क्रिप्शन है उसकी NFTs है, उसके अलावा वूड, उसके अलावा ये डिस्क्रिप्शन है ये उसकी NFTs की पिक है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते NFT टूल्स बता रहे हैं जो मैंने आपको वेबसाइट पर भी A to Z बताया इनके। उसके अलावा यहाँ पर वुड की यहाँ पे आपको मैंने बताया, मेटल्स के बारे में आपको A to Z बताया, अपग्रेडिंग किस तरह करोगे NFTs को यहाँ पे ये भी मैंने बताया A to Z। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेडिंग का, फार्मिंग का सिस्टम यानी कि A to Z इस प्रोजेक्ट्स के मुताबिक मैं आपको बताया। बाकी जो इनकी टिकट्स हैं, प्लेयर कैन अपग्रेड्स द टूल्स दे हैव एक्सेप्ट फॉर द हाइएस्ट लेवल आइटम इन ईच कैटेगरी। इन ऑर्डर टू अपग्रेड दे नीड
Tickets. Tickets are burned after upgrading to a better version of the tools. The lowest levels of the tools do not require tickets. They are directly crafted. Therefore, there are 12 tickets at the beginning of the game. तो ये इनके टिकट्स हैं, यहाँ पे कुछ और होंगे, वाटर्स की टिकट, उसके अलावा फूड्स की, वुड की, उसके अलावा ये मेटल्स की। तो ये वाइट पेपर सारा आपने वर्ड टू वर्ड रीड कर लेना है गाइस, ये आपको शो रहा होगा ए टू जेड, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं प्लेयर्स को, यानी कि खुद के एनएफटीज को क्रिएट, यानी कि उसको ग्रो किस तरह कर सकते हो, उसको यहाँ पे बढ़ा किस तरह सकते हो। रिवार्ड पॉइंट्स बता रहा है, डेफी नोशन लैंड्स के बारे में बता रहा है, डेफी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, यहाँ पर आप यानी कि टोकन्स को एक्सचेंज कहाँ पे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इनका एक कंट्रैक्टेड ऐसा है, उसी के जरिए आप किसी भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे जाके डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे इस टोकन्स को बाय कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेजरी टोकन फार्मिंग के बारे में बता रहा है, जिनमें टोकन लिस्ट इनकी आ जाती है, ओशन लैंड ए एन के आर जो ये मैंने वेबसाइट पर बताया, मार्केट प्लेस के बारे में आपको ए टू जेड वेबसाइट पर बताया। उसके अलावा यहाँ पर इनके कंपेरिजन करा रहा है, तो कंपेरिजन यहाँ पे देख सोगे। उसके बाद नेक्स्ट मार्केट रिसर्चिंग आ जाती है, जिनमें यहाँ पर देखोगे जिन्होंने ग्लोबल गेमिंग एंड क्रिप्टो रेवेन्यू, जो क्रिप्टो गेमर्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन जनरेटेड द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफ US$157.3 million 49% देन नॉर्थ अमेरिकन विद US$80.3 million 25 figures। तो यहाँ पर मिडल ईस्ट अफ्रीका में देख सोगा 9.6 million है, जो कि 3% है, तो लेतीन अमेरिका जो 12.8% यानी कि $8 million जो कि 4% है, एशिया पैसिफिक यहाँ पर 157.3 million जो कि 49% है, तो नॉर्थ अमेरिका $80.3 million है जो कि 25% है, यूरोप $70 million है जो कि 19% है। उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो गेमिंग प्लेटफॉर्म रेवेन्यूज के बारे में बता रहा है, क्रिप्टो ओनर्स के बारे में बता रहा है, तो उसको देख लेना। इनके ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, इनकी मार्केट्स की रेवेन्यू दे रहा है, उसके अलावा यहाँ पर इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो टोकोनॉमिक्स जो मैंने आपको वेबसाइट पर भी बताया, यहाँ पे आप देखो सीड इनका 5% है, आईजीओ यहाँ पे 2%, लिक्विडिटी 8.5% है, उसके अलावा यहाँ पर प्लेट वन एंड फार्मिंग ट्रेजरी 32.5% जो मैंने आपको वेबसाइट पर क्लियरली इसके बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दिया है। तो गाइस मेरी रिक्वेस्ट है, इसके बारे में आप ए टू जेड यहाँ पर रीड कर सकते हो, इससे आपको गाइस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो कि वाइट पेपर के बारे में मैंने आपको वेबसाइट पर क्लियरली डिटेल से रिव्यू दिया है। टीम्स के बारे में इनका बताया, इनके टीम्स के मेंबर किस तरह होंगे, इनसे कंटेक्ट किस तरह करोगे, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपसे शेयर कराए, इनके गेम्स को खेलोगे किस तरह, लीगल डिस्क्लेमर हो गया, ये सारा मैंने आपको टू जेड बताया, तो आप यहाँ पे इसको रीड आउट कर सकते हो। तो अगेन चलते अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ, तो गाइस ये वो प्रोजेक्ट था जिसका मैंने आपको रिव्यू करवाया, उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, टेक केयर, थैंक्स। गेम को खेलने के अलावा यानी कि प्ले करके अर्निंग के अलावा भी यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हो, वो भी फ्री में, वो किस तरह करोगे, वो एज ए रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम क्या होता है, एक लिंक होता है जिसको आपने शेयर करना होता है अपने किसी भी कोलीग्स को या अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को या अपने किसी फ्रेंड्स को। अगर आपके उसी किसी यानी कि फैमिली या आपके फ्रेंड या कोलीग्स में से किसी ने यहाँ पर उस रेफरल लिंक के ज़रिए जो आपने उसको सेंड किया होगा, यहाँ पे यानी कि आएगा, इनके एनएफटीज़ को बाय करेगा, मिंट करेगा, इन या इनके टोकन्स को बाय करेगा, उसका आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा एक अर्निंग की सूरत में। वो किस तरह मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या बता रहे हैं कि द ओशन लैंड रेफरल प्रोग्राम अलाउज यू टू इनवाइट फ्रेंड्स एंड अर्न अप टू 25% कमीशन मिलेगा। यहाँ पे आपको शोर होगा कमीशन एवरी टाइम एवरी रेफरल पे, यानी कि जो भी आपका फ्रेंड होगा। उसके अलावा यहाँ पर विड्रॉ ऑन ओशन लैंड, देयर इज़ नो लिमिट नो हाउ मैनी फ्रेंड्स यू कैन इनवाइट, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने भी फ्रेंड हैं आप यहाँ पे आप उनको इनवाइट कर सकते हो और उससे यानी कि अर्निंग कर सकते हो, वो भी फ्री में। द मोर फ्रेंड यू इनवाइट द मोर पैसिव इनकम यू आल अर्न। तो यहाँ पे हाउ टू गेट योर रेफरल लिंक, तो यहाँ पे अपना रेफरल लिंक किस तरह जनरेट करोगे, यहाँ पे आपको शोर होगा इन ऑर्डर टू गेट योर रेफरल लिंक तो कनेक्ट योर मेटामास्क वॉलेट, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड किया, यानी कि वॉलेट से अपना कनेक्ट कर रखा, तो यहाँ पे आपको सेटिंग ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो गाइस, इसी को यहाँ से अपने गाइस कर लेना है कॉपी, कॉपी करके यहाँ पे शेयर करना है अपने कोलीग्स को या अपनी फैमिली या किसी भी मेंबर्स को, और उससे आप यानी कि 25% कमीशन हासिल कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है गाइस। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी बताता जाऊँ, यहाँ पर देख सो गाइस रेफरल लिंक इज ऑटोमेटिकली डिस्प्लेड, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ये देख सो गाइस जो मैंने आपको बता दिया वर्क किस तरह करेगा, यहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कमीशन किस तरह लोगे, उससे अर्निंग किस तरह करोगे, ये आपने सारा आर्टिकल रीड आउट कर लेना है। उसके अलावा अगेन चलते प्रोजेक्ट्स की तरफ, तो गाइस ये यानी कि जो प्रोजेक्ट है
ऑलरेडी पहले से ह्योबी और पैनकेक स्वैप पे लिस्टिंग हो चुका है, जो मैंने आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस लास्ट में बताया था वीडियो के। तो यहाँ पे उसी कॉन्टैक्ट एड्रेस को यहाँ से आपने कॉपी करना है गाइस। ये देख सो गाइस, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, इसको कर लेना आपने यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर चले जाते हैं पैनकेक स्वैप पे, जिन जहाँ पर इसकी लिस्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, पैनकेक स्वैप, जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप यानी कि किसी भी यानी कि करेंसी को किसी भी टोकन में एक्सचेंज कर सकते हो। जी यहाँ पर इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। न्यू टैब्स मैंने ओपन कर लिया है, और ये जो कॉन्टैक्ट एड्रेस मैंने आपको यहाँ पे स्टार्ट पे बताया था, इसी को यहाँ से आपने कर लेना है गाइस कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ होम पेज पर उसके पैनकेक स्वैप पर, और यहाँ पर ये ट्रेड नाउ का ऑप्शन नजर आ रहा है, जहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ जी। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने अपना वॉलेट्स कनेक्ट करना जी, किससे, मेटामास्क के जरिए। तो यहाँ पे मैं ट्रेड नाउ पे दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसको स्वैप करके दिखाऊंगा, जहाँ पर इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। तो वॉलेट्स कनेक्ट करता हूँ मेटामास्क के जरिए, यहाँ पे वॉलेट्स मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर करेंसी आपको BNB सेलेक्ट नज़र आ रही होगी, और यहाँ पर ये जो केक का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और वही कॉन्टैक्ट एड्रेस गाइस यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट किया, तो ओशन लाइन टोकन यहाँ पे देखो गाइस विया मार्केट कैप के साथ यानी कि ये टोकन्स इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे, यानी कि लॉन्च हो चुका है। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये उसका यानी कि टोकन्स का नेम है ऑल, एंड इसका सिंबल है कॉन्टैक्ट एड्रेस। 300 का इस टोकन्स को यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं 1 BNB इन्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस ऑलरेडी यहाँ पे ये देखो गाइस इतने टोकन यहाँ पे मुझे रिसीव्ड हो रहे हैं मिनिमम। तो यहाँ पर मैं इनको बाय करके देखो 8058.55 डॉलर यहाँ पे यानी कि ये ऑनलाइन टोकन मुझे रिसीव्ड हो रहा है। अब यहाँ पे मिनिमम रिसीव कितना होगा, उसके लिए प्राइस इंपैक्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखो गाइस जो इनका रूट है वो है BNB2 कन्वर्ट होगा BUSD में और कन्वर्ट होगा ऑनलाइन में। तो इनसफिशिएंट BNB बैलेंस का बता रहा है, यानी कि वो गाइस कहना चाह रहा है आपके पास वो अमाउंट नहीं है जो यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने अपने वॉलेट में ये अमाउंट डिपॉजिट कर लेने, डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पर आप इजिली इस टोकन को बाय कर सकते हो गाइस। ये जो टोकन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैनकेक स्वैप पर लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करके निकाल सकते हो। मजे की बात ये हॉबी ग्लोबल पर भी लिस्ट है, ठीक है। हॉबी ग्लोबल के बारे में किसको नहीं पता, बेसिकली ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपने आके सर्च करना है OL, मतलब ओशन लैंड। जैसे ही आप ओशन लैंड सर्च करोगे, ठीक है, ये सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो कि ठीक है यहाँ पर हॉबी ग्लोबल है, ठीक है। हॉबी ग्लोबल के बारे में आपको पता क्या है, ठीक है, बेसिकली ये क्रिप्टो एक्सचेंज है, सबसे ट्रस्टेड है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर जितने किस्म के टोकन्स होते हैं कोई स्कैम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आप उसको इसका ग्राफ देख सकते हो, इसका जो लास्ट पिप है देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा चार्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप इसका कंप्लीट चार्ट देख सकते हो कि टोकन ने कहाँ कहाँ पंप किया, ठीक है। पैनकेक स्वैप पर भी लिस्ट है, ठीक है। आपको पता है कि पैनकेक स्वैप भी ट्रस्टेड एक्सचेंज है, ओलैंड के नाम से है। यहाँ पर मैं BUSD सेलेक्ट कर लेता हूँ। पैनकेक स्वैप पर भी लिस्ट है और हॉबी ग्लोबल पर भी लिस्ट है, ठीक है, दोनों जगह लिस्ट है, ठीक है। दोस्तों बहुत ही कमाल का टोकन है, लाजमी से परचेज करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा परचेज करें लाजमी से, ठीक है। ओके।